हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अभिषेक वीनस ब्लॉग। आपका मेरे इस ब्लॉग में आपका मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपके पास, और इस समय हम लोग हैं बनारस में। बनारस में कहाँ, बनारस के मेन लोकेशन गोदलिया चौराहे के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप पहुँच भी गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आज है सोमवार, जो कि सावन का छठवां सोमवार है आज, और बहुत काफ़ी रूप में यहाँ पे भीड़ एकत्र हो गई है दर्शन के लिए। कंवरियों का, दर्शार्थियों को जो अपने यहाँ से बनारस के हैं, जो बाहर से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी की एक झलक दिखाने के लिए हम लोग यहाँ बनारस के गोदलिया चौराहे पर हम लोग आए हुए हैं। और आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस तरह की लाइन लगी हुई है, कैसा कितना दर्शन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और कितनी गैदरिंग क्राउड यहाँ पर है, कितने लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर बाहर बाहर से लोग आए हैं। और हम लोग गोदलिया से लेकर चौक तक चलेंगे, जो चार नंबर गेट है आपका, वहाँ तक आपको चलेंगे और वहाँ तक का व्यूज़ आपको कवर करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग सीधे चलते हैं वहीं पर, मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सामने वो गोदलिया चौराहा है, और इस समय रास्ता सब मंडे के दिन एक्चुअली बंद कर दिया गया है वहाँ से हर जगह से। तो 2 किलोमीटर के रेंज में जहाँ जहाँ चौराहा क्रॉसिंग पड़ता है वहाँ से रास्ता बंद कर दिया जाता है, और सवारी वाहन आपको नहीं मिलेगा। पर्सनल आपकी बाइक वाइक हो तो वो आपका आ जा सकता है, लेकिन आपका उधर उधर नहीं आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम लोग चौराहे के पास चलेंगे, वहाँ से दर्शन करने वालों की भीड़ काफ़ी हद तक आपको दिखेगा। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं गोदलिया ठीक चौराहे पर, और ये आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग है आपका, पार्किंग प्लेस है। टू व्हीलर्स अगर आप आते हैं तो यहाँ टू व्हीलर पार्किंग प्लेस आपका बना हुआ है, यहाँ कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर ठंडे उंडे की सारी दुकानें आपको दिख जाएंगी ठीक चौराहे पे आपको। आपका सीधे जाता है 10 समय वाला रोड जो जा रहा है आपका यहाँ से, तो आप यहाँ से भी लाइन लगा के दर्शन कर सकते हैं। पीछे गेट नंबर 2 से और 1 से इधर रोड से चला जाएगा 3 गेट, और जो 4 नंबर वाला गेट है आपका, ये चौक से रोड से जाएंगे तो ये 4 नंबर का गेट का पड़ेगा आपको। ये फिलहाल दर्शनार्थी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। भीड़ दर्शनार्थियों का और केवल पैदल आने जाने वालों को, क्योंकि इस रूट का सारा जो ट्रैवलिंग होता है ट्रांसपोर्टिंग वो सब सारा बंद कर दिया गया है। और जो भी रोड रूट पे गाड़ियाँ चलती थी, सवारी गाड़ियाँ, वो एक्चुअली यहाँ ब्रिगेडिंग आज स्पेशली संडे से ही बंद कर दिया जाता है, संडे और सोमवार के दिन, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को भीड़ ज़्यादा दर्शन करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ब्रिगेडिंग कर दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से भी बहुत गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज 14 तारीख है, कल है 15 तारीख, तो 15 तारीख का भी देख रहे हैं कैसे ज़्यादा दुकानदारी हो रही है। 15 अगस्त की तैयारी, झंडे में गेट नंबर 1 से अगर आपको जाना हो, देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है गेट नंबर 1, तो गेट नंबर 1 से अगर जाना हो तो रास्ते से ये रास्ता कटा हुआ है, जैसे चौक पे आप बढ़ेंगे बीच में पास जगह पास फाटक से, तो ये 1 नंबर गेट के लिए अंदर एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको 4 नंबर के साइड से जाना है तो आपको आगे वाले रोड से जाना पड़ेगा, जो कि जो सबसे मेन गेट है अपने काशी का, काशी विश्वनाथ जी का। और यहाँ पे अपना मोबाइल, पर्स, सब कुछ यहाँ पे आप इस लॉकर में, यहाँ बहुत सारे दुकान जो होते हैं, इस लॉकर में आप यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, तो आप यहाँ अपना रख कर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर लगाए हुए हैं, और साथ में क्या है, दूध है ना, ये दूध वाला कैसे पीस पड़ रहा है, ये 10 रुपया, और ये वाला 20। तो हम देख सकते हैं कि 10 रुपये में आपको माला, फूल, मदार का दूध के साथ भगवान को चढ़ाने के लिए मिल जा रहा है, जो कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। और 20 रुपये में ये आपका मदार, और इसको क्या बोलते हैं, धतूरे बोलते हैं ना, धतूरे के साथ आप देख सकते हैं चढ़ाने के लिए रास्ते भर में ये लोग भी लगे हुए हैं, और जिससे कि आपको मार्केट से ज़्यादा दिक्कत ना हो, कहीं आने जाने की जरूरत ना पड़े, तो ये लोग भी अपना सेवा पहुँचा रहे हैं जो भी भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो लाइन से देख सकते हैं कि ये रेलिंग में लगा के खड़े हैं।
ये कुछ नज़ारा अपने बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी का है। तो जैसे जैसे हम लोग घाट अपने गेट के साइड पहुंचेंगे तो भीड़ आप काफ़ी हद तक देखेंगे कि दो दो तीन तीन लाइन ऐसे लगा हुआ है सारे या भक्तगणों का, और दो से तीन लाइन इसी में लेडीज़ जेंट्स सारे लगे हुए हैं, और काफ़ी हद तक आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और एक्चुअली सुबह में तो बहुत ही ज़्यादा था, तो इस समय दोपहर का 2 से 3 बज रहा है यहाँ पर। आपका ठीक, हम लोग बांस फाटक चौक पे पहुंच गए जो गेट नंबर 4 पे पहुंच गए, और गेट नंबर 4 आप देख सकते हैं कि ये है, और इसी के मेन बगल से रास्ता दिया गया है जाने के लिए। तो सारे यात्री लोग जो भी आ रहे हैं भक्तगण दर्शन करने के लिए वो यहां से आ रहे हैं, और अंदर आते हुए पीछे चले जा रहे हैं दर्शन करने मंदिर के पीछे परिसर में, और यहीं से वो लोग रिटर्निंग ऐसे एक्चुअली लौट के भी यहीं से आपका आ रहे हैं, यहां से देख सकते हैं आप। फिर भेजा जा रहा, तो इस हिसाब का यहाँ पे सुविधा किया गया है कि जिससे भीड़ ना हो सके ज़्यादा। तो फिर देख रहे हैं कि आप यहाँ छोड़ दिया गया, फिर यहाँ से लोग अब जा रहे हैं। ये अंदर मंदिर परिसर का जो अंदर कैंपस है, ये अंदर का है, ये कॉरिडोर के अंदर का। और एक्चुअली ये है आपका मेन 4 नंबर गेट है आपका। प्रशासन का कितना कड़ाई है आपने कि यहाँ पे जी के पास, और यहाँ से भी एक रास्ता गया है मंदिर के अंदर इस उधर के साइड से 4 नंबर गेट के बगल से, और 4 नंबर गेट की साइड उधर से भी गया, मतलब दोनों साइड से लाइन लगा हुआ है, और अंदर आप जा सकते हैं। और सीधे इधर जाते समय आप देखेंगे कि वो ज्ञान बापी मस्जिद है, ये इसी के पास से नीचे से जा रही है, और साथ में इधर से जाते समय और उसी के जस्ट बगल से ये फिर रिटर्निंग भी कर दे रहे हैं। और जो 2 नंबर गेट 1 नंबर गेट है वो और इसके और आगे जाके यहाँ से 500 मीटर आगे जाके तब आपको यहाँ से अंदर एंट्री मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर देख रहे हैं काशी विश्वनाथ जी में, आप सोमवार का छठवा सोमवार पड़ता है यहाँ पर, और काफ़ी हद तक भीड़ है लोग श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए, और लाइन भी काफ़ी लगा हुआ है। तो उस समय 3:30 बज रहा है, और 3 बजे भी दर्शन कम नहीं हुआ है, क्योंकि डिवाइड करके एक नंबर गेट नंबर 2 गेट नंबर 3 4 ये 4 गेट नंबर है, तो हर जगह भी देखा जाए तो भीड़ है, लेकिन तो ये लाइन लगा हुआ है भी आपके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन अभी भी एक्चुअली लगा हुआ है बहुत ज़्यादा काफ़ी, और ये करीब शाम तक रात तक चलता रहेगा, और क्योंकि सुबह का टाइम भीड़ ज़्यादा होता है तो इस टाइम थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि डिवाइड करके इसको बहुत 4-5 जगहों से दर्शन कराया जा रहा है, और बहुत फास्ट दर्शन कराया जा रहा है क्योंकि प्रशासन के द्वारा इनको कराया जा रहा है, तो इसलिए अंदर कॉरिडोरों में जाना एक्चुअली अलाउड नहीं है। तो कैमरा लेके जा रहा है अभी आज के दिन तो स्पेशली नहीं है, तो मैं अंदर कॉरिडोर में भी चलता लेकर, लेकिन आपको बाहर का ही एक दृश्य मैं छोटा सा क्लिप बना के दिखा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है अपने बनारस के काशी का भीड़। और हर एरिया का तो अपना अलग अलग होता है, बजनाथ धाम का अलग होता है, तो अपने क्या मंजर है, कैसा दृश्य है अपने बनारस काशी का, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का, तो वो ये सब आप देख सकते हैं। पूरी पहले होता था क्या कि बांस वास लगे रहते थे, लेकिन अब प्रॉपर ढंग से आप देख सकते हैं कि स्टील का ये चीज़ बना दिया गया है, क्योंकि अब हमेशा कभी गड्ढे वड्ढे करने पड़ते थे तो रोड ख़राब एक्चुअली हो जाता था, अब वो सब नहीं होता है, अब बस स्टील का आया कस दिए, तो इससे फास्ट वर्क भी होता है और रोड भी नहीं ख़राब होता है, तो ये चीज़ अच्छा हो गया है पहले से, तो पिछले 2 से 3 साल से बहुत। फ्रेंड्स ये 1 नंबर गेट जाने का रास्ता है, आपने देखा था 4 नंबर गेट का, ये है 1 नंबर
तो अंदर गली से रोड साइड पर जा रहा है और काफ़ी भीड़ आपका दिखेगा। एक नंबर रीज़न ये है कि रोड पे बहुत भूख आता है, तो जितने भी भक्तगण होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा छाया मिले, तो इसलिए वो लोग शॉर्टकट ये भी रोड पड़ता है आपका एक नंबर गेट के लिए, तो यहाँ आसानी से ये लोग लाइन लगा के दर्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक नंबर के लिए गेट जाएगा और दो नंबर के लिए एक्चुअली हम लोग जाना पड़ेगा इधर, तो हम लोग चलते हैं दो नंबर गेट के साइड। बहुत प्यारा सा आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऊंट, ये भी हैंडीक्राफ्ट ऊंट है। ये है बाबा का डमरू और इस शॉप बहुत पुरानी है और यहाँ पे मुझे जब भी आता तो सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ही अपने यहाँ पे दिखेंगे। तो गेट है मेन गेट, ये विश्वनाथ गली का मेन गेट है, यहाँ तो एग्जिट हम लोग कर रहे हैं और आप अगर आपको आना हो तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये गेट है फ्रेंड्स आपका विश्वनाथ गली का, जहाँ से हम लोग अंदर से एंट्री करके हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग बाहर इधर से निकले हैं और गए चार नंबर से और निकले हैं दो नंबर के गेट के साइड से ही निकले हैं। तो अगर आपको आना हो तो इधर से भी आ सकते हैं दर्शन करने और ये भी रोड जो जा रहा है बैरिकेडिंग लगा हुआ, आप इधर से भी दर्शन करने जा सकते हैं। मतलब आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस छोटी सी वीडियो आपके लिए वह बनाया था कि आप देख सकें कि अपने बनारस काशी का कैसा सोमवार का दिन भीड़ होता है श्रद्धालुओं का यहाँ पर। आज है छठवां सोमवार, तो किस हिसाब का भीड़ अपने यहाँ पर है वही चीज़ का छोटा सा झलक केवल आपसे शेयर करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर कॉरिडोर के पास। लेकिन कॉरिडोर में आप जान ही रहे हैं कि भीड़ की वजह से आज जाने का एंट्री नहीं मिलेगा, भीड़ बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा भीड़ है। सो आप फिलहाल तो मेरे अगल बगल देख ही सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी हद तक है, तो जो मेन गेट है आपका चार नंबर वहाँ भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको बताया कि कुछ सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं, तो उसी तरह ये भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये लोग खड़े हुए हैं और कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से आए हैं, गाजीपुर से हमारे भाई को, जो हमारे भाई हैं उनको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो पीछे पीछे हमारे आ रहे हैं तो ये लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने यात्री घर हैं लोग दर्शन कर करके लोग जा रहे हैं, घर में कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी मैं वीडियो बनाते चलता हूँ तो जो भी लोग मुझे एक्चुअली दिखते हैं तो कहते हैं भाई मेरे को भी ले लो ब्लॉग में, मेरे को ले लो। तो जो भी लोग रहते हैं तो ब्लॉग में इस समय साथ आ जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं गोदलिया चौराहे से सीधे गिरजाघर चौराहे पे, और चौराहे पर भी कांवरियों लोग के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, खाने पीने और रुकने का भी व्यवस्था अपने दर्शन में घाट पे किया गया है और सिविल यहाँ भी लगा हुआ है। तो हर तरह का व्यवस्था अपने काशी के हर एक कोने में लगाया हुआ है कि कांवरियों लोगों को, यात्रियों को दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप हर जगह मेरे पीछे आगे देख सकते हैं कि जितनी भी यात्री आ रहा है, और मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो गिरजाघर चौराहे पर है तो वहाँ भी ये सारा व्यवस्था किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ के लोग हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि किसी भी यात्रियों को किसी बात का दिक्कत परेशानी ना हो। मेडिकल से सुविधा से लेकर सारा चीज़ तक का यहाँ पे ध्यान रखा गया है कांवरियों के लिए और भक्तगणों के लिए। चौराहे का एक छोटा सा झलक दिखा रहा हूँ। सुबह इसी देख सकते हैं कि पानी का व्यवस्था यहाँ शिविर में किया गया है, लोगों को खाने पीने और रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है। और ठीक ये गिरजाघर चौराहे पर है हम लोग इस टाइम, और गिरजाघर चौराहे पर ही ये सारा व्यवस्था किया कर दिया गया है यहाँ पर यात्रियों के लिए। आई होप सो गाइस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।